वैसे हम बेसिक तौर पे किसान हैं। 1988 से हम एक खेती में जुटे हैं और हम इस समय केला, टमाटर, आलू, मेंथा की खेती कर रहे हैं और 150 से 60 एकड़ पे खेती कर रहे हैं। 1988 से हमने शुरू किया, आज तक हम 150 से 60 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। उसमें केला है, टमाटर है, आलू है, मेंथा। केले की जो हमारी फसल है वो हम टिशू कल्चर करते हैं, जुलाई में इसकी पौध डालते हैं और पौध लगाने के करीब 14 महीने बाद ये तैयार हो जाती है। एक एकड़ पर 80 से 1 लाख रुपया खर्च आता है और 3 लाख रुपया तक इससे शुद्ध लाभ हमको मिल रहा है। आज की डेट में हमने शुरू किया और हमारे करीब फॉलोअर किसान उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा हैं। हमारे गांव के आसपास में 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ हमने गांव में रोज़गार भी दिया, करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को गांव में रोज़गार दे रहे हैं। आज देखा जाए तो करीब उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा 50 जिले के किसान हमारी तकनीक को अपना रहे हैं। केला, टमाटर, आलू, मेंथा। हम केला काट करके जब आलू लगाते हैं तो उसमें कोई खाद नहीं देते हैं और जो खाद नहीं डालते हैं तो उससे भी काफ़ी बड़ा हमको खाद की बचत है और जो उसका एक खर्च आता है वो उसमें भी कमी आई है। केला एक ऐसी फसल है कि उसमें कोई बीमारी नहीं है और बिक्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा केला हमारा दिल्ली जा रहा है। एक एकड़ में 80,000 रुपया खर्च करके 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ मिल रहा है। दूसरी चीज़, हम टमाटर की खेती करते हैं फसल चक्र में। टमाटर की जो खेती है वो हम जनवरी में नर्सरी डालते हैं, फरवरी में इसको लगाते हैं और एक एकड़ में करीब 8,000 पौधे हम टमाटर के लगाते हैं। उस पर 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आता है एक एकड़ में। ये टमाटर की पैदावार हमारी एकड़ की 500 कुंटल है। ये 500 कुंटल हमको टमाटर एक एकड़ में उत्पादन मिल गया। ये 10 रुपया रेट से बिका तो 5 लाख का हो गया, 8 रुपया रेट से बिका तो 4 लाख हो गया। यदि उत्पादन खर्च उसमें हम निकाल दें 80,000 रुपया तो 3 लाख से 3,20,000 का शुद्ध लाभ हमको टमाटर की खेती से मिलता है। तो ये हमारा एक फसल चक्र है। फसल चक्र से क्या मतलब है? फसल चक्र अपनाने से हमको सबसे बड़ी फायदा है, जब एक फसल के बाद हम दूसरी फसल लगाते हैं तो हमको 30% कम खाद डाल करके हमको 30 से 40% ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। इसलिए हमने 160 एकड़ कर रहे हैं उसमें हम केला, टमाटर, आलू, मेंथा के ये हमने फसल चक्र अपनाया है। आज ये आप मान लीजिए कि एक हमारे गांव का, हमारे मॉडल का, हमारे गांव का एक पड़ोसी गांव है जो हमारी खेती से जुड़ा। उस गांव में पूरे मजदूर थे, 11 से 12 हज़ार आबादी वाला गांव, पूरे के खेतिहर मजदूर थे। आज उन्होंने हमारे मॉडल को अपनाया, पूरे करीब हाईटेक फार्मर बन चुके हैं जी। सर, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जी, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इसके बारे में? हम करीब 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमने मैं किया, हमने बहुत सारे किसानों को अपनी शिक्षा दी, बहुत से किसानों को पेड़ा शोध बने। आज हमारे लाखों किसान इसके फॉलोअर हैं। तो उसी के क्रम में हमको भारत सरकार ने जगजीवन राम अवार्ड, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, नौ अन्वेषक पुरस्कार, उद्यान रत्न, उत्तर प्रदेश में बागवानी विकास पुरस्कार और राज्य कृषि पंडित पुरस्कार, उद्यान रत्न पुरस्कार, इस सारे पुरस्कारों को देखा जाए तो करीब हमको 25 पुरस्कार के आसपास मिल चुके हैं जी। सर, आपका एक फार्म है अपना, तो उस फार्म को अगर कोई सर्च करना चाहता है तो कैसे ढूंढ सकता है? नहीं, फार्म को सर्च करना चाहता है तो लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर एक फैजाबाद रोड है, फैजाबाद लखनऊ से फैजाबाद रोड गई है, उसी के पास में 2 से 3 किलोमीटर अंदर हमारा हाईटेक एग्रीकल्चर कृषि फार्म है। ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लखनऊ से जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उससे 40 किलोमीटर दूरी फैजाबाद रोड पर है। वर्मा एग्री डॉट कॉम है, हमने वेबसाइट बना रखी है। बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं, कम से कम 30 से 40 फ़ोन आते हैं पर दिन का। अरे 30 से 40 नहीं, 50-100 फ़ोन आते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे फार्म पर कम से कम डेली पर दिन 50 से 100 लोग तक विजिट करने आते हैं। आज तक जब से हमने फार्म खोला है 10 लाख से ज़्यादा किसान आ चुके हैं। और हमारी वर्मा एग्री डॉट कॉम वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं और उससे जानकारी लेते भी हैं। आज हमारी जो वेबसाइट है वो
करीब साल में 60 से 70 लाख लोग उस पर विजिट करते हैं हमारी वर्मा एग्री.com पर वेबसाइट पर।